नगर निगम शिमला का चुनाव प्रचार चरम पर है। इसी बीच दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर है। उसकी वजह यह है कि दोनों ही दलों के लिए नगर निगम शिमला के चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। आज विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाला और सरकार पर निशाना साधा है। Now, what's up, ज्ञान? आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। दूसरी ही तरफ सत्ता दल कांग्रेस पार्टी से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले पत्रकार वार्ता के दौरान की है। पिछली भाजपा सरकार पर हमला करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्मार्ट सिटी के पैसे का जमकर दुरुपयोग हुआ है। भाजपा ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए शिमला शहर में ठेके दिए। नगर निगम बनने के बाद इसकी जांच की जाएगी। शिमला में पीलिया फैलने के कांग्रेस के हमले पर पार्टी स्वयं घिरती नजर आई। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी 10 गारंटियों को अपने कार्यकाल में पूरा करेगी, जिसमें ओपीएस, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने सहित युवाओं को नौकरी देने पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। भाजपा के नेताओं द्वारा ऑपरेशन लोटस के बयानों पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा ख्याली पुलाव पका रही है, कांग्रेस की सरकार मजबूत है और 5 साल तक चलेगी। शिक्षक भर्ती पत्र पर घिरी सरकार के सवाल पर उन्होंने बताया कि ये सिर्फ प्रस्ताव था, सब कमेटी के कई प्रस्ताव है जिनको फाइनल नहीं माना जा सकता है। एक बात जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि जो कांग्रेस ने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए, और वही वायदे जो है वो नगर निगम की जनता से कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि विधानसभा के चुनाव में हमने 10 वायदे किए और इस सरकार का कार्यकाल केवल अभी 4 महीने हुआ है, और किसी भी सरकार का जो 4 महीने का कार्यकाल है वो बहुत थोड़ा होता है, मगर ये 4 महीने का कार्यकाल भी जो है वो उपलब्धियों भरा है। हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको लागू किया है, और NPS जो है उसको नोटिफिकेशन से बंद कर दिया है। हमने अपना पहला वादा जो है वो पूरा किया है। हमने दूसरा वादा किया था कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन के रूप में देंगे। ठीक है, आर्थिक बोझ पड़ना है, बहुत पड़ेगा इसके ऊपर बोझ, मगर ये जो वायदे हमने किए थे वो हमने कोई ऐसा थोड़ी कि पहले महीने में या 4 महीने में पूरे करने की बात की थी। और ये जो वायदा है हमने फर्स्ट फेज में हमने हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1 अप्रैल 2023 से पेंशन को शुरुआत कर दी है। हमने जो कमिटमेंट की थी हमने उसको पूरा किया है। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल किसकी सरकार थी? जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त तो उनको जो ये वायदे हैं जो आज ये नगर निगम के लोगों से कर रहे हैं, आज ये वायदे कर रहे हैं उस वक्त तो किया नहीं। और जो यहां है हिमाचल में तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार, और नगर निगम शिमला में स्पष्ट बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी का था। जिन लोगों ने, जिस सरकार ने 5 साल अपने वायदे पूरे नहीं किए वो आज वायदा कर रहे हैं, और क्या उनकी स्थिति इन वायदे को पूरी करने की है? क्या ये समझते हैं कि नगर निगम शिमला की जो जनता है, जो नगर निगम का जो वोटर है वो इनकी बातों में भ्रमित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे ना तो 5 साल वो तो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर सके, और जयराम जी को जब मुख्यमंत्री के रूप में भी समझ नहीं थी, और मैं कह सकता हूं वो विपक्ष के नेता के रूप में भी समझ नहीं है, या वो समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी कहते हैं ना ख्याली पुलाव है, कहते ना मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो ये बात आज से थोड़ी हो रही है,
ये तो जिस दिन हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट्स निकले थे 8 दिसंबर को जिस दिन हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट निकले थे उस दिन से ये बातें चल रही हैं, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस। आज सरकार को बने हुए 5 महीने हो गए। हमारा दावा है ये सरकार कांग्रेस की सरकार मजबूत है और पूरा 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा करेगी। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।